एक कागज अगर आप जाते हैं वहां पर काम करवाने के लिए, तो अगर आपका एक कागज कम पड़ जाता है और बाबू आपसे बोलता है कि एक कागज कम पड़ गया है, तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि आप दोबारा कैसे हैं। सबसे बड़ी समस्या है। आप कॉलोनी की बात करते हैं और भी योजनाओं की बात करते हैं, आपके घर में वो कार्यालय आ रहा है जहां आपका हर काम होगा, आप खुद जाएंगे वहां पर, आपको किसी अधिकारी कर्मचारी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये मांग करीब हम 2011 से कर रहे हैं और इसके लिए जरूरी यह हो गया, क्योंकि जो अपनी जो मैंने 50 ग्राम पंचायतें जो यहाँ की हैं, जो एक दिल के चारों तरफ है, 3-4 किलोमीटर में आती हैं, इनके सभी 4 विकास खंडों में बटी हुई है। किसी को बड़पुरा जाना पड़ता है, किसी को महेवा जाना पड़ता है, किसी को वर्तना जाना पड़ता है, किसी को बसरे जाना पड़ता है, और ये सब 20-22 किलोमीटर दूर पड़ते हैं। सबके मुख्यालय 20-22 किलोमीटर दूर पड़ते हैं। अगर एक दिन में बना दिया जाए तो मुश्किल से 5-6 किलोमीटर में सब कुछ हो जाएगा, आप पैदल भी चले जाएंगे। तो यही मांग मैं 2011 से रख रहा हूँ और यही सत्याग्रह है, ये सत्य की आवाज है कि हमें विकास के लिए कुछ चाहिए। अब आपने देखा होगा कि सरकार का नारा चल रहा है कि सबका साथ सबका विकास, सबका चल रहा है, ये नारा चल रहा है। आपने उस नारे को स्वीकार किया, आपने उस नारे को स्वीकार किया, सरकार का साथ दिया, यहाँ से 2 विधायक दिए, 1 सांसद दिया, साथ दिया, तभी तो बने ये लोग, वैसे नहीं बन सकते थे ना। अब बात बचती है विकास की, सबका साथ सबका विकास। तो हम अब हमारा आग्रह ये है कि अब हमारा विकास करिए, आपकी सरकार में तो बनवाइए। और हमारी ये विधायिका जी हैं सरिता भदौरिया जी, इन्होंने चुनाव के दौरान जब ये वोट मांग रही थी तब ये वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हमारा पहला काम ये होगा कि हम विकास या फिर विकास खंड पहले बनवाएंगे, प्राथमिकता के तौर पर उन्होंने वादा किया। उसके बाद मैंने ये माननीय सांसद जी हैं रामशंकर कठेरिया जी, इनकी एक मीटिंग करवाई शेखुपुर जखोली में इसी को लेकर, तो इन्होंने आश्वासन दिया कि मैं बिल्कुल दीपक राज आप परेशान मत हों, यहाँ के क्षेत्रों के लिए क्षेत्र